एक बार फिर से तो एनडी हाईकोर्ट उत्तराखंड का रिजल्ट आ गया है। काफी अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। फाइनली इसमें वैसे भी आपको पता है कि किस तरह से नीट को लेकर यहाँ हंगामा चल रहा है, तो फाइनली रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट ऑफ हाईकोर्ट उत्तराखंड, सारी पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं आज ये रिजल्ट आया हुआ है, जहाँ पर उत्तराखंड के अधीनस्थ कार्यालयों में आप देख सकते हैं सहायक, कनिष्ठ सहायक और उसके अलावा वैकेंसी सहायक अवसुलिपिकी के लिए जो है यहाँ पर है, ठीक है, के मेरिटधारी 40 अभ्यर्थी एवं अवसुलिपिकी के लिए आप देख सकते हैं 4 अभ्यर्थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी निम्नांकित तालिका के अनुसार अंकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु चयन संस्तुति के लिए दिनांक को जो है प्रस्तुत की गई। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो कनिष्ठ सहायक है दीवानी न्यायालय जनपद बागेश्वर में, ये 4 अभ्यर्थी हैं। इनका आप देख सकते हैं सब कुछ दिया हुआ है, बाकी यहाँ पर इनकी रैंक भी दी गई है। उसके अलावा जनपद चमोली में भी आप देख सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर जनपद चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा उत्तरकाशी जनपद, ठीक है, अब उसके नीचे ठीक कनिष्ठ सहायक के लिए भी आप देख सकते हैं ये जो है लिस्ट यहाँ पर दी है। उसके नीचे आप ठीक से गए वैकल्पिक सहायक सहायता के लिए भी जो है यहाँ पर लिस्ट निकाल दी है एनटी ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसान है इस रिजल्ट में अपना नाम ढूंढना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स के रोल नंबर और उसके अलावा कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, जेंडर, डीओबी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कितने मार्क्स उसने पाए और क्या उसकी रैंक रही, ये यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितने भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं। बाकी पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।